स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई सेकेंड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में स्पीड के बारे में डिस्कस किया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ स्पीड। हमें पता है स्पीड की कितनी टाइप्स होती हैं, फोर: यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंट स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज का कंसेप्ट है वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मैंने जूम मीटिंग में आपको बताया था व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सो हम आज वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ऐसे ही सिस्टम में इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड, एंड सीजीएस सिस्टम में आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वी कॉल डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। जैसे हमने डिस्कस किया था ना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमें पता है जो वेलोसिटी है इट इज डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जैसे हमने स्टूडेंट्स टाइप ऑफ स्पीड को डिस्कस किया है, फोर टाइप को: यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंट स्पीड। ऐसे ही वेलोसिटी की फोर टाइप हैं: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, बुक में बेटा पहले सभी जो वेलोसिटी की डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन कर रखा है और जो इसके ग्राफ हैं उसको बाद में सोल्व कर रखा है, बट मैं आपको साथ ही साथ करवाऊंगी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और जो उसके ऊपर ग्राफ हैं वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इट अंडरगो इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, देन वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और यहां पे हमने डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, डायरेक्शन बॉडी की सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशनल। ठीक है, हम पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस करते हैं। पोजीशन और टाइम ग्राफ का क्या मीनिंग है, हम ग्राफ ड्रा करेंगे पोजीशन और टाइम में। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने टाइम को रिप्रेजेंट कर लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, पहले बॉडी पॉइंट ओ पे थी, ठीक है, फिर बॉडी ने मान लो डिस्टेंस एक्स नोट कवर किया इन टाइम जीरो में। ठीक है, जब बॉडी की पोजीशन एक्स वन है तो टाइम टी वन है, जब बॉडी की पोजीशन एक्स टू है टाइम टी टू है। ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, हम होरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस को मैच कर देंगे। ठीक है, होरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस को मैच कर देंगे तो हम यहाँ पे पॉइंट ड्रा करेंगे, फिर पॉइंट को मैच कर देंगे, जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, जो टी वन टाइम था हमने उसको सी वन से रिप्रेजेंट कर दिया, टी टू टाइम को टी वन से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स वन पोजिशन को हमने सी टू से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स टू पोजिशन को हमने डी टू से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो सी वन डी वन डिस्टेंस है वो सी ई के इक्वल है और जो हमारा सी टू डी टू डिस्टेंस है वो डी ई के इक्वल है। ठीक है, अब देखो टी टू माइनस टी वन क्या आएगा, ओ डी वन माइनस ओ सी वन, मतलब कि हमने इतना डिस्टेंस कवर करना है, ये किसके इक्वल आएगा, दिस माइनस दिस। ठीक है, और ओ डी वन है वो किसके इक्वल है, ओ डी वन टी टू के टू के, और ओ सी वन किसके इक्वल है, टी वन के। ठीक है, इसलिए हमारा ओ डी वन माइनस ओ सी वन किसके इक्वल आ जाएगा, सी वन एंड डी वन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया सी वन डी वन इज इक्वल टू सी ई। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन, देखो ओ एक्स टू ओ डी टू एंड एक्स वन किसके इक्वल है, ओ सी टू के। ठीक है,
ओ डी टू माइनस ओ सी टू किसके इक्वल आ गया, ई डी के। अब हमें पता है वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, एक्स टू माइनस एक्स वन, और टाइम क्या है, टी टू माइनस टी वन। हमने ऊपर डिस्प्लेसमेंट पुट कर दिया और नीचे वाले टर्म में टाइम। ठीक है, अब हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन की क्या वैल्यू है, ई डी। ठीक है, और हमारे पास टी टू माइनस टी वन की क्या वैल्यू है, सी ई। ठीक है, इसको हम टेन अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द प्रेजेंट टाइम ग्राफ। देखो बेटा, स्लोप का फार्मूला होता है वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन होरिजेंटल डिस्टेंस। डीई हमारे पास क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, एंड सीई हमारे पास है होरिजेंटल डिस्टेंस। इसलिए हम डीई अपॉन सीई को क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द प्रेजेंट टाइम ग्राफ। स्टूडेंट, इस ग्राफ की क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम मतलब कि बॉडी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, जैसे हमने बॉडी का स्लोप फाइंड कर लिया तो हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी की वेलोसिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशनल। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया, कल हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंट वेलोसिटी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।